जब भी हम फोटोशॉप में कोई सिलेक्शन करते हैं तो हमको एंटी अलायंस ऑप्शन शो होता है, तो इससे एक सवाल आता है कि वास्तव में ये एंटी अलायंस ऑप्शन है क्या और ये करता क्या है। तो एंटी अलायंस ऑप्शन जो होता है वो पिक्सल की शेप से रिलेटेड है, क्योंकि पिक्सल एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो बीच में से कट नहीं हो सकता है और उसके कॉर्नर्स होते हैं। तो जब हम कोई सिलेक्शन करते हैं जिसमें लाइंस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है तो सिलेक्शन में कुछ इश्यू होते हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल से समझते हैं कि एंटी अलायंस करता क्या है और इसको ऑन या ऑफ रखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल पॉलीगन लासो टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक सिलेक्शन पॉइंट शुरू करते हैं और इस लाइन को परफेक्ट वर्टिकल बनाने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं और क्लिक करते हैं और इसको परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं और क्लिक कर देते हैं और अब इन दोनों को मिला के इस प्रकार से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करते वक्त हमने एंटी अलायंस ऑप्शन को ऑन रखा है। अब हम इसको एडिट मेन्यू में जाके हिल कर देते हैं ब्लैक कलर से, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% और ओके प्रेस कर देते हैं। सिलेक्शन को हम कंट्रोल डी बटन प्रेस करके डी सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन इस बार हम एंटी अलायंस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे ताकि हम जान सके कि एंटी अलायंस ऑन या ऑफ रखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से हम सिलेक्शन पॉइंट क्लिक करते हैं और शिफ्ट बटन प्रेस करके सीधी लाइन बनाते हैं और यहाँ पे भी शिफ्ट बटन प्रेस करके सीधी लाइन बनाते हैं और इस प्रकार से हम ट्रायंगल को बना देते हैं और एडिट मेन्यू में जाके हम यहाँ पे फिल ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से ब्लैक कलर से नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड में 100% ओपेसिटी में फिल कर देते हैं। कंट्रोल डी बटन प्रेस करके हम डी सेलेक्ट करते हैं। इस वक्त हमें एंटी अलायंस ऑन या ऑफ रखने से कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इस इमेज को जूम करके देखते हैं तब हमें इन दोनों शेप्स में डिफरेंस दिखाई देगा। हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करते हैं तो पिक्सल को शेप ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम इनके अलावा जैसे यहाँ पे ये तिरछी लाइन ड्रा की है या फिर मान लो राउंडेड शेप ड्रा करते हैं तो उस वक्त ये एंटी अलायंस ऑप्शन है, ये जो सिलेक्शन की एजेज हैं उनको स्मूथ रखने में काम आता है, क्योंकि पिक्सल तो एक स्क्वायर होता है जो कि कट हो नहीं सकता। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर हम एंटी अलायंस ऑन रख के सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे जो पिक्सल होते हैं ये ब्लैक एंड वाइट के अलावा आपको ग्रे शेड के पिक्सल भी दिखाई देंगे जो कि आपके सिलेक्शन को स्मूथ करने में हेल्प करेंगे। और अगर हम एंटी अलायंस को ऑफ रखते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पिक्सल ही दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको ग्रे शेड के कोई पिक्सल दिखाई नहीं देंगे और आपका सिलेक्शन इस प्रकार से हार्ड एजेज में दिखाई देगा। आमतौर पे हम जब भी कोई सिलेक्शन करते हैं तो उस सिलेक्शन की जो एजेज है उसको स्मूथ करते हैं ताकि जो इम्पैक्ट है इमेज पे वो अच्छा दिखाई दे सके, नेचुरल दिखाई दे सके। बिल्कुल हार्ड एजेज हम अगर लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ना हो तो हम काम में नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये दूसरी इमेज लेते हैं जहाँ पे हम इलिप्टिकल शेप ड्रा करते हैं। पहली इमेज में हम एक राउंड शेप ड्रा करते हैं, परफेक्ट शेप के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं और इसमें हम एंटी अलायंस को ऑन रखते हैं और इसको ब्लैक कलर से फिल करते हैं। दूसरी शेप भी हम सेम सर्किल ही ड्रा करते हैं, लेकिन इस बार हम एंटी अलायंस को ऑफ रखते हैं और फिर से हम इसको एडिट मेन्यू में जाके फिल कर देते हैं ब्लैक कलर से। अब यहाँ पे आप
जूम करके देख सकते हैं कि एंटी अलायस ऑन या ऑफ रखने पे सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे इस शेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी अलायस ऑन है, और इस शेप में आप देख सकते हैं कि एंटी अलायस ऑफ है। तो जो सिलेक्शन की एजेज होती है उनको स्मूथ रखने के लिए एंटी अलायस ऑन रखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप जब भी कोई सिलेक्शन करें जो कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल ना हो, तो वहाँ पे आप एंटी अलायस ऑप्शन ऑन रखें तो आपका सिलेक्शन बेटर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।